जिला पिपिली अंचल नववधु को पिटी पिटी हत्या अभियोग। स्वामी निजर चोरा फिरती को लुचेवाक स्त्री को पिटी पिटी हत्या कर झीर बापा अभियोग आपिली थाना कुलशिखर पटना गांव आसी अभियोग। पिपिली मेडिकल पुलिस नववधु भाग्यश्री दास मृतदेह जबत करने सहित तदंत आरंभ कर। स्वामी समीर सिग्धा साहू थाना अटक रखी पचराउचरा करा। कुलशिखर पटना गांव समीर स्निग्धा साहू सहित पिपिली भारतीपुर मनोरंजन दास सान झी भाग्यश्री दास 2021 मसीह वैदिक रीतनीति बह होता बहार किछि दिन परे उभयक मध्यरे कलह उपजिता। समीर स्निग्धा अन्य एक झी सहित प्रेम संपर्क रखी भाग्यश्री को विभिन्न समय मारधर करुथिले बोली भाग्यश्री तांका बापा को जणाइथिले। ए बाबद्रे अनेक थर भाग्यश्री बापा मनोरंजन झीर शाशुघर को जा बुझासुझा भी करते। गतकाली मध्यान झीर मृत्यु खबर पाई से पिपिली मेडिकल को जाते सेठे भाग्यश्री रक्ताक्त मृतदेह को देखिथिले। झीव को तार स्वामी पिटी पिटी मारी भाग्यश्री बापा अभियोग करते। भाग्यश्री शाशु सुचित्रा साहू कहते भाग्यश्री तले पड़ जाइवर पुओ खबर देता भाग्यश्री को 108 आंबुलांस पिपिली मेडिकल को नेबा बेले डाक्तर तंकु मृत घोषणा करते। पुलिस कौन से प्रतिक्रिया देनथिबा बेले मेडिकल मृतदेह को जबत करने सहित स्वामी समीर स्निग्धा को थाना रखी तदंत कर पुलिस। चार सब खबर पाइली सी पुओर आज जो झील संपर्क था यही उपर बहुत थर आलोचना होकर सरपंच देवमूसा और दादा मामू ये सब बसिकी म्यूचुआल करूँ से म्यूचुआल बेल कौन सुफल मिलनी झी आज जहाँ फोन कले आमको नुह कि आम पड़सा बेलू फोन कले तुम झीवर मुंड फाटी जाए आम गाड़ी लेकिन आसवा बेलू से आंबुलांस आसिक मेडिकल पहुँचे झील भी देखिए मरी जाता कहला बहुत शीघ्र आसे शीघ्र कौन हो जाए जानवे तो शीघ्र आसे सारों को फोन कर सार मो बोर तो ज्वर था स्कूल जाए कि कहीं कहीं छाड़ी आसुतने रही था स्कूल खोला बिल का पड़े नहीं कहले हाँ देख ली तो पड़ी चे मुंड फुंड फाटी जाए अधिक आलोचना करबा पिपिली रिपोर्टर संजय प्रधान आम सहित जोड़ी होती। संजय महिला मृत्यु होती पर लोक आसी कहते स्वामी पिटी पिटी मारिदेई अन्य जन सहित स्वामी संपर्क रही है तेरे ये पूरा घटना को नहीं पुलिस तेज स्वामी को कौन पचराउचरा करा समीर स्निग्धा को कौन पचराउचरा करा जाउछे यही घटना को लेकिन रही मृतक पत्नी रही समीर सिंधा बर्तमान पुलिस अटक रखी जो घटना जो रही अधिक पचरा उचरा जारी रखी संपूर्ण घटना टी आम देखा जे रही समीर सिंधा पिपिल थाना अंतर्गत कुलशिखर पटना ग्राम रही बहुत करते पिपिल थाना अंतर्गत भारतीपुर ग्राम रे रही भाग्यश्री भाग्यश्री को बहुत करते बहुत दुई वर्ष तेज बहुत होता एवं संपूर्ण परिवार ठीक ठाक ही चली था ठीक बहार दुई तीन मास पर हठात आसी स्वामी स्त्री भितर झगड़ा आरंभ होता एवं जहाँ कह तार मूल कारण हो स्वामी रही स्वामी अलग अलग जन झीव सहित प्रेम संपर्क था आपको नहीं अनेक थर भर मतांतर होता और या जो भद्रलोक मान रही भद्रलोक कथा जाइए बसी भितर आलोचना होता और सब संसारिक जीवन ठीक ठाक चलो बोलिक गोटे प्रकार आश्वासना देते स्वामी रही थे कि सत्ते गत काली घटना समस्त को चकित कर रही कि मृतक रही थे सृष्टि जी रही थे हठात काली जो बाप घर लोक खबर आसी झील भाग्यश्री बर्तमान भी देह असुस्थ हो मुंड मार घर पहुंचापी
କିନ୍ତୁ ଏହା ପରେ ତାକୁ ହଠାତ୍ କିନା ଆସିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକ ପିପିଲି ମେଡିକାଲକୁ ଆଣିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆଣିଲା ପରେ ସେଠି ତାଙ୍କର ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଭାଗ୍ୟଶ୍ରୀଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବିବାଦ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଯାଉ ଯଦି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ଭାଗ୍ୟଶ୍ରୀଙ୍କ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଅନେକ କ୍ଷତ ଥିବା ଦାଗ ଥିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ମା କହୁଥିଲେ କି ତାଙ୍କର ଜ୍ୱର ହୋଇଛି, ଯଦି ଜ୍ୱର ହୋଇଥିବ ହଠାତ୍ ଏ ଜାଗ ଯୋଉ ଆସିଛି ଦେହରେ ଯୋଉ ଚିହ୍ନ ରହିଛି ତାହା ଏକ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଏବଂ ଏ ନେଇ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ପିପିଲ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ଯିଏ ରହିଥିଲେ ମୃତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟଶ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସମୀର ପିଣ୍ଡାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଟକ ରଖିଛନ୍ତି, ଅଟକ ରଖି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ସେପଟେ କିନ୍ତୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମାନ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି, ଏହି ଘଟଣା କେବଳ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଯୋଉ ରହିଛି ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଝିଅ ସହିତ ରହିଥିଲା ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ, ଏହି କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ନେଇ ଶେଷରେ ଭାଗ୍ୟଶ୍ରୀଙ୍କୁ ପିଟି ମାରିଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ଝିଅ ଘରର ଲୋକ। ନିହାତି ଭାଗ୍ୟଶ୍ରୀଙ୍କୁ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା କରିଥିବା ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆମ ସହିତ ସଞ୍ଜୟ ପ୍ରଧାନ ପିପିଲିରୁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ, ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ନବବଧୂ ବିବାହକୁ 2 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପରକୀୟା ପ୍ରୀତିକୁ ନେଇକି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି।